जय श्री राम भाई लोग। आज जो हम लोग रात में रुके थे जिस मंदिर में, तो आज सुबह का 5 बज रहा है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाते हैं। है मंदिर जो इचाग में है और यहाँ से हम लोग अभी 5 बजे निकल रहे हैं। और यहाँ से मतलब भैया लोग से बात हो चुका है, बोले कि हाँ निकल जाओ, कोई दिक्कत होगी तो आगे कॉल करना। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मतलब जो भैया लोग हमें यहाँ रहने के लिए ठिकाना दिए थे उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये रही ये मंदिर, और आज रात मैं यहीं वर्कआउट किया था। आग से निकल रहे हैं NH 33 नेशनल हाईवे से, और इधर तो गाड़ी भी चल रही है और हम लोग दोनों जा रहे हैं। सुबह गए थे जंगल से, ये लकड़ी तोड़ का है तत्वन, जो कि मतलब पीछे जो झंडा है उसको बांधेंगे बैग में। थोड़ा बड़ा बड़ा तोड़ लिए हैं और वो डंडा लोग तो मतलब छोटा था, इसीलिए उसको हटा देंगे और लंबा लंबा डंडा बांधेंगे। और देखिए क्या कर रहा है, बिगड़ रहा है डंडे से, बना रहे हैं तो। अरे यार बनाते बनाते टूट गया ये। ये देखिए जंगल से तोड़ के लाया, सही कर कर यहाँ पे तोड़ दे रहा है, कैसे होगा फिर। सॉरी गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय श्री राम का खूब कमेंट करें। और हम लोग तोड़ दिए, उसके लिए भी आप लोग कुछ कमेंट फनी मैसेज करें, कमेंट करें। और हम लोग अभी पैदल कम से कम 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं, बीच में जंगल मिली तो वही लकड़ी का इंतजाम हुआ जो कि डंडा को बांध। अरे भाई कुंदन क्या कर रहा है? बस डंडा तोड़े थे उसी को सिल रहे हैं धागा से। और कहाँ जाने का तैयारी है? अपना राम मंदिर अयोध्या। अरे बाप रे, ये तो पूरा जय श्री राम, जय श्री राम। और ये पीछे में क्या चीज है? झारखंड टू अयोध्या 900 किलोमीटर पैदल यात्रा, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, जय सिया राम। और ये कुंदन का इंस्टाग्राम यूट्यूब आईडी है शायद। और जय श्री राम। कुछ अपना सेटअप कर रहे हैं, जो डंडा तोड़े उसमें झंडा लगा रहे हैं और सी रहे हैं अपने से, मतलब कुछ यहाँ देर होगी, आधा घंटा जैसा लेट होगा, तो यहाँ से जो सेटअप करके निकलेंगे फिर कहीं नहीं रुकेंगे, जब रात होगी तो कोई दिक्कत नहीं, निकलेंगे उसके बाद। और भाई ठंड तो बहुत है यार, देखो मतलब धूप, ठंडा में डंडा लगा ये क्या बोलते हैं, कुहासा भी बहुत है यार, इतना ज़्यादा है कुहासा, मतलब मोबाइल में उतना साफ नहीं दिख रहा लेकिन पूरा सामने से कुहासा है। और बिक्की भाई अपना झंडा को देखिए दे रहे हैं। और गाइस देख सकते हैं इतने ठंड में दो लोग अयोध्या के लिए पैदल यात्रा में चले हुए हैं। देख सकते हैं कितना कोहरा है और इस कोहरे में भी ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। तो गाइस इन लोग के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री राम। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी इनसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए यही भैया लोग हैं जो राम मंदिर के लिए पैदल यात्रा में जा रहे हैं अयोध्या। तो देख सकते हैं कितना ठंड है बाहर, और इस ठंड में भी इन आपने बहुत ही, आपका घर कहाँ है? चाईवासा मनोहरपुर। आप वहाँ से पैदल चले और अभी कितना दिन का यात्रा है? 22 जनवरी से पहले, 22 जनवरी तक इनका यात्रा चलेगा ऐसा इनका अनुमान लगा। तो गाइस देख सकते हैं इतने ठंड में भी भैया सब मतलब अयोध्या के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो गाइस एक लाइक बनता है, तो सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी राम को बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ठीक है भैया। गाइज हम और कुंदन पैदल चल रहे हैं, जो कि अभी 9 बज रहा है, होने से अभी कुहासा आप लोग देख सकते होंगे, चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है और ठंडा अभी हवा चल रहा है ना, और पानी सब थोड़ा थोड़ा चेहरा सब में आ रहा है। कुहासे का मतलब जो छोटा छोटा बूंद होता है ना, बूंद वो हमारे मतलब फेस में पड़ रही है, उससे कि थोड़ा मतलब ठंडा लग रही है, फिर भी हम लोग हाथ नहीं मार सकते। अभी तक तो राम का नाम लेते चल रहे, अभी तक कुछ पता चल रहा है नहीं। तो जय श्री राम। और वीडियो में बने रहिएगा ये कुंदन का चैनल में, इनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो जय श्री राम, मेरे लिए नहीं लेकिन जो ये झंडा उड़ रहा है ना, हाँ इनके लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और हम और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से,
कि अब हर हिंदुओं के पास, हर हिंदू घर के पास श्रीमद् भगवत गीता रहना जरूरी है, और अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के बारे में समझाइएगा। पढ़े लिखे तो अभी के सबके वहाँ पे मिलेंगे, अभी सब पढ़े लिखे ही हैं, और जितना हो सके आप लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइएगा, और अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाइएगा। वहाँ से मतलब हम लोग को दो बंदे नहीं मिल पाए थे, तो हमारे यहाँ गाड़ी से मिलने के लिए आए हैं, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमारे दो भाई हैं, उन लोग का नाम वगैरह भी पूछेंगे तो दिखाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई लोग अपना एक बार नाम बताओ। शिवम, शशि। भाई लोग देखिए, ये लोग हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से मिलने के लिए आए, इन लोग को पता नहीं था कि वहाँ रुके थे, बाद में जब देखे वीडियो तो हमारे यहाँ मिलने के लिए आ गए कितने दूर से। इन लोग के लिए दिल से धन्यवाद। राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय, मिलेंगे एक बार। हाँ तो गाइस, हम लोग रास्ते में चल रहे थे, हमारे बीचे तो एक हमारे भाई आए हैं और ऑटो से आए हमें मिलने के लिए। देखिए यहाँ पे रुक गए हैं, हमसे कुछ बात करेंगे। अभी विक्की भाई बात कर रहे हैं। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। अपना नाम बताइए। आदित्य कुमार। ठीक, बहुत कहाँ से आ रहे हैं भैया? चरी से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं। चलिए, राम मंदिर पैदल यात्रा। पैदल यात्रा है। राम राम दोस्तों, आज हम इचाक मोड़ से निकले थे और बरी से जस्ट निकल ही रहे थे, तभी कोलकाता से कुछ साइकिल में हम लोग तो पैदल पथ यात्रा है, उन लोग का साइकिल का यात्रा, उन लोग साइकिल से जा रहे थे। दो भाई हैं, वो हमारे आगे हैं, तो हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो भाई वो लोग हमारे आगे पे इंतज़ार कर रहे हैं, हम दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए भाई लोग हमारे कोलकाता से जा रहे हैं, दो भाई हैं अपने जो कि साइकिल से पथ यात्रा करे, जो अभी हमें मिले रास्ता में, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, देखिए हमारे भाई लोग का सेटअप देखिए, तो भाई लोग इनसे बात करते हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए अपना भाई बाल बांध रहे, इनका स्टाइल देखिए, बहुत मेहनत करते हैं यार। साइकिल का भाई आपका नाम क्या? मेरा नाम मिंटू पात्रा है। मिंटू पात्रा, भाई आपका नाम? कलकत्ता हुआ, हर जगह से जाना चाहिए। हम लोग अकेले पागल नहीं है, दुनिया पागल है राम जी के लिए। राम नाम से ही पागल बनना है अब हिंदू। आपका नाम भैया? मेरा नाम जय मन्ना है, हम कोलकाता से। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, झारखंड से रांची पैदल यात्रा जा रहे हैं, झारखंड से, लेकिन 900 किलोमीटर होता है। हम लोग भी आए हैं कलकत्ता से, कोई परेशानी ऐसा रास्ता ही नहीं है। हमें ऐसा मतलब कि कोई हेल्पफुल करना चाहता है तो हेल्पफुल मतलब आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। और रात्रि को रुकते कहाँ हैं आप? पेट्रोल पंप या हमारे उसको अपना भाई बोलते हैं, मतलब अपना भाषा में दादा बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं और अभी एक भाई से बात हुई कि आगे सामने एक नदी है तो वहाँ पे स्नान कर लेंगे, और स्नान करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर चलेंगे, अपना शाम हो जाएगी तो किसी के यहाँ रुकेंगे। तो आज हम कितना किलोमीटर चले? 40। आज हम 40 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। ठीक, तो भाई इसी खुशी में आप लोगों को शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, केवल आज कमेंट करना है जय श्री राम। जितना बार कीजिएगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी, हम उतना मतलब और धीरे धीरे कोशिश करेंगे दूर जाने की। तो हम अपने भाई लोग के साथ मिल चुके हैं और मतलब देखिए दोनों यहाँ पे हैं, हम लोग नहाएंगे यहाँ पे यूट्यूब के लिए, तालाब एक हाँ सही है, नहा लेते उसके बाद बनाते वीडियो, सबसे बेस्ट। हाँ, हे प्रभु, पैदल चलते चलते तो पैरों की हाल बेहाल हो गई है, आपसे कृपया हमारी रक्षा और देखभाल करें। चले थे
सुबह को 5 बजे और आज हम अभी 7 बजे पहुंच चुके हैं चौपारण, जो कि करीबन 50 से 55 किलोमीटर के बीच में होता है। और हमारे यहाँ इंतजाम हो चुका है, जो कि भैया लोग कर दिए हैं, कुछ कमेटी बजरंग दल का टीम वगैरह थे जो कि कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पे एक और मेरा साथी मिल चुका है जिसका नाम है रवि, और देखिए अपना विक्की भाई भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और अभी हम ब्लॉग बना के उसके बाद हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फुल टू वॉचिंग, आई लव यू। नहीं, जय श्री राम।